नमस्कार दोस्तों, आज 20 अगस्त स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, आयरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा पेश करने के लिए देश में कौन सा बैंक देश का पहला बैंक बन गया है? तो वो बैंक है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक है जो आयरिस स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा पेश करने के लिए पहला बैंक बन गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो प्रदान करने के लिए एयरटेल भुगतान बैंक भी भारत का पहला भुगतान बैंक बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलराम जी दास टंडन किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बलराम जी दास टंडन जो है ये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किस देश में हुआ? तो 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन जो है मॉरिशस में हुआ, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट है, किस शहर ने लिविंग इंडेक्स 2018 की ईस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो लिविंग इंडेक्स में जो शीर्ष स्थान पर वो है पुणे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस शहर में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन डॉक्यूमेंट 2022 शुरू किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गुवाहाटी, यानी कि असम में ये पड़ता है गुवाहाटी। तो केंद्र सरकार ने डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन डॉक्यूमेंट 2022 शुरू किया है। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2018 को किस राज्य ने बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना शुरू की है? तो बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना जो शुरू की है वो है ओडिशा ने, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठनों ने पिच टू मूव एक गतिशीलता पिच प्रतियोगिता शुरू की है? तो वो पिच प्रतियोगिता शुरू की है नीति आयोग ने, पिच टू मूव प्रतियोगिता जो है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा राज्य उच्च न्यायालय राज्य में गायों के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्य करेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य उच्च न्यायालय जो है गायों के कानूनी अभिभावक के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अपने आदित्य L1 उपग्रह के माध्यम से किसका अध्ययन करेगा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा आदित्य L1 उपग्रह के माध्यम से सूर्य का अध्ययन किया जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकेंड। नेक्स्ट है, इब्राहिम बवाकर केइटा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया? ये माली के राष्ट्रपति बनाए गए हैं, इससे पहले ये कार्यकाल और पूर्ण कर चुके हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति कल्पेश सत्येंद्र झावेरी ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने शपथ ली है उड़ीसा राज्य के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी बाला वेंकटेश वर्मा को भारत के एम्बेसडर के रूप में किस देश के लिए नियुक्त किया गया? तो डी बाला वेंकटेश वर्मा को रूस में भारत के एम्बेसडर के रूप में यानी कि राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच के रूप में BCCI ने किसे नियुक्त किया है? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसने BCCI में रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच के रूप में नियुक्त किया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो फिफ्थ। तो दोस्तों, कैसे लगा इसका वीडियो कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।